नमस्कार, मैं आशीष अवस्थी आज आपको सी लेक्चर सीरीज में व्हाइल लूप के बारे में बताने जा रहा हूं। व्हाइल लूप भी फॉर लूप की तरह प्री चेक लूप है, यानी यहां पर कंडीशन पहले चेक होती है उसके बाद लूप बॉडी एग्जीक्यूट होती है। जब तक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगी तब तक लूप बॉडी एग्जीक्यूट नहीं करेगी। तो अगर हम देखें तो व्हाइल लूप इज द प्री चेक लूप विच इन विच द कंडीशन इज प्री चेक बिफोर इट गेट इन टू द लूप बॉडी। जैसे ही प्रोग्राम कंट्रोल पहले कंडीशन को चेक करेगा, अगर कंडीशन सेटिस्फाई कर रही होगी तभी लूप बॉडी एग्जीक्यूट होगी। अगर हम देखें हमने फॉर लूप कैसे की थी, फॉर लूप की तरह ही आपका व्हाइल लूप होता है। फॉर का अगर हम एक सिंटैक्स लिख लें, अगर तो फॉर हमने लिखा था इनिशियलाइजेशन, उसके बाद उसी लाइन पे हमने लिखा था सेमीकोलन के बाद कंडीशन, कंडीशन के बाद हमने उसी लाइन पे सेमीकोलन के बाद लिखा था इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, यानी इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, और उसके बाद वो सारी लाइनें जो बार बार हमें एग्जीक्यूट करानी है। तो ये एक छोटा सा सिंटैक्स है, रिकैप करा रहा हूं आपको फॉर का। अगर हम देखें तो व्हाइल में भी यही सब हम लोग यूज करते हैं। जो व्हाइल का सिंटैक्स है उसमें अगर देखें तो जो तीन लाइनें हमने एक ही लाइन में लिखी थी वो तीन कैरेक्टर्स, वो तीन स्टेटमेंट अलग अलग लाइन में डिवाइड हो जाते हैं। व्हाइल के अंदर केवल कंडीशन रह जाती है जिसको सेटिस्फाई होने पे ये आपको लूप बॉडी एग्जीक्यूट करानी है। इसमें सबसे पहले लूप बॉडी के ऊपर हम इनिशियलाइजेशन करते हैं, यानी शुरुआती वैल्यू बताते हैं कि कहां से हमको कंडीशन को स्टार्ट करना है और फिर कब तक ये हमको उस लूप बॉडी को बार बार रिपीट करना है, और फिर वो सारे स्टेटमेंट जो हमको बार बार रिपीट करने हैं प्लस हमको एक इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट देना पड़ेगा जिसकी वजह से यहां पर कंडीशंस की वैल्यू चेंज होती रहेगी। तो ये हमारा सिंटैक्स है। अगर हम व्हाइल फॉर से कंपेयर करें तो फॉर में यही तीनों चीजें एक ही लाइन में लिखी जाती हैं विद द हेल्प ऑफ सेमीकोलन, यहां पर उसको अलग अलग लाइनों में डिवाइड कर दिया गया है। यही आपका अंतर है व्हाइल और फॉर। तो एक प्रोग्राम भी बना लेते हैं। अगर हम देखें तो जो ये प्रोग्राम है ये आपका नेचुरल नंबर को जनरेट करेगा, जो नेचुरल नंबर होते हैं 1, 2, 3, 4, 5 उसको जनरेट करेगा। इस प्रोग्राम को समझने के लिए हम देखें तो सबसे पहले हमारे पास यहां हमने दो वेरिएबल लिए x और n, n की वैल्यू हमने यूजर से एंटर कर ली, मान लीजिए n की वैल्यू थी 5, तो सबसे पहले हमने x को इनिशियलाइज कर दिया 1 से, यानी x इज इक्वल टू 1। फिर यहां पर कंडीशन चेक होगी क्या x लेस देन इक्वल टू n है, यहां x की वैल्यू 1 है, n की वैल्यू 5 है, लेस है तो ये x की वैल्यू को प्रिंट कर देगा, यानी 1 प्रिंट हो जाएगा और फिर x में एक का इंक्रीमेंट होगा और x की वैल्यू 2 हो जाएगी। फिर जब यहां से वापस आएगा ये कंडीशन फिर से चेक होगी, ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगी तो वापस यहां पर 2 प्रिंट कर देगा। तो इस तरीके से ये जो स्टेटमेंट है ये चेंज ला रहा है कंडीशन में, यानी x की वैल्यू को बार बार चेंज कर रहा है जिसकी वजह से यहाँ पे कंडीशंस की जो रिजल्ट है, जो आउटकम है, वो बार बार चेंज होता रहेगा। इस वजह से ये लूप बार बार आपकी चलती रहेगी। तो ये एक एग्जांपल था। इसी का एक दूसरा एग्जांपल भी देख लेते हैं। यहां पर हमको जो फिबोनाची सीरीज है, जो पिछले लेक्चर में हमने बताया था फिबोनाची सीरीज को फॉर लूप से कैसे जनरेट करते हैं, उसी फिबोनाची सीरीज को हमने व्हाइल लूप के थ्रू जनरेट किया है। अगर आप देखिए तो यहां पर भी वही केवल हमने ऑल्टरेशन किया है, जहां पर जो कंडीशन थी उस कंडीशन को तीन अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है और उसके अलावा वो पार्ट कॉमन है जो पिछली बार भी हमने यूज किया था, यानी लॉजिक सेम रही, बस एक्स की वैल्यू हमने बाहर कर दी और यहां पर कंडीशन चेक करा लिया कि जब तक x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू n नहीं होगी तब तक ये लूप बार बार चलता रहेगा। और बेसिक एक्टिविटी करा लेने के बाद हमने x में वापस एक का इंक्रीमेंट कर दिया। तो ये एग्जांपल है आपका फिबोनाची सीरीज का। फिबोनाची सीरीज आपकी 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8 इस तरह की सीरीज होती है जो n टर्म्स तक चलती है। इसके बारे में हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं और इस लॉजिक को भी बड़े आसानी, बड़ी
डिटेल में हम लोगों ने समझा था और बहुत ही आसान लॉजिक है जिसमें इन दोनों की वैल्यूज को जोड़कर ये टर्न आता है। तो वाइल लूप से इस तरीके से आप प्रोग्राम बनाएंगे। इसके बाद हम लोग वाइल लूप का और भी एग्जाम्पल अगले लेक्चर में लेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।